प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन कर्नाटक के दौरे पर रहे। आपको बता दें कि जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और रैली की शुरुआत उन्होंने कोलार से की। यहां 56 मिनट का भाषण उनकी तरफ से दिया गया। वहीं 3:45 पर हासन के बैलूर में प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे और इन रैलियों के बाद पीएम शाम को मैसूर में रोड शो कर बीजेपी के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। कोलार में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि अब वे मेरी तुलना सांप से कर रहे हैं और लोगों से वोट मांगने का दुस्साहस कर रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि भगवान शंकर के गले में नाग विराजमान है। मेरे लिए जनता मेरे लिए भगवान के समान है। आज के जमावड़े से कांग्रेस और जेडीएस की नींद उड़ जाएगी और दोनों पक्ष विकास की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा है। जनता ने उन्हें क्लीन वोट कर दिया है और पीएम ने रैली में आगे कहा कि अस्थिर सरकारों के पास विजन नहीं हो सकता। कांग्रेस के शासनकाल में दुनिया भारत से ना उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई दुनिया अब भारत को एक उज्जवल स्थान के रूप में देखने लगी है। कर्नाटक ने बीजेपी को चुनने का फैसला किया है और राज्य में निरंतर विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बेहद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस और जेडीएस शासन के दौरान विकास की गति धीमी हो गई। कर्नाटका का ये चुनाव सिर्फ आने वाले 5 वर्षों के लिए एमएलए मंत्री या सीएम बनाने का सिर्फ नहीं है, ये चुनाव आने वाले 25 सालों में विकसित भारत के रोड मैप की नींव को सशक्त करने का है। अस्थिर सरकार इस तरह के बड़े विजन पर कभी काम नहीं कर सकती। अस्थिर सरकारों का कितना नुकसान होता है ये आपने देखा है। अस्थिर सरकारों की पहचान है जनता के हित वाले निर्णय में देरी करना और भ्रष्टाचार में उतनी ही तेजी करना। हमें कर्नाटका को अस्थिर सरकार से बचाना है। हमें कर्नाटक को कांग्रेस और जेडीएस के भ्रष्टाचारी शिकंजे से बचाना है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज दूसरे दिन कर्नाटक में रैली कर रहे हैं और पहली रैली की शुरुआत उन्होंने कोलार से की। यहां उन्होंने 56 मिनट का भाषण दिया और वहीं 3:45 पर हासन के बैलूर में प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे और इन रैलियों के बाद पीएम शाम को मैसूर में रोड शो कर बीजेपी के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। कोलार में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम ने कहा कि अब वे मेरी तुलना सांप से कर रहे हैं और लोगों से वोट मांगने का दुस्साहस कर रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि भगवान शंकर के गले में नाग विराजमान है। मेरे लिए जनता मेरे लिए भगवान के समान है और आज के जमावड़े से कांग्रेस और जेडीएस की नींद उड़ जाएगी। दोनों पक्ष विकास की इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा है। जनता ने उन्हें क्लीन वोट कर दिया है और पीएम ने रैली में आगे कहा कि अस्थिर सरकारों के पास विजन नहीं हो सकता। कांग्रेस के शासनकाल में दुनिया भारत से ना उन्हें उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई दुनिया भारत को एक उज्जवल स्थान के रूप में देखने लगी है। कर्नाटक ने बीजेपी को चुनने का फैसला किया और राज्य में निरंतर विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बेहद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस और जेडीएस शासन के दौरान विकास की गति धीमी हो गई। तो आपको बता दें कि लगातार बीजेपी अपनी कमर कसे हुए है कर्नाटक में और लगातार बीजेपी के दौरे वहां पर हो रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज कर्नाटक पहुंच रहे हैं, चुनावी जनसभा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं और किसी भी तरीके से पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जनता को रिझाया जाए और येदियुरप्पा के साथ जिस तरीके से बीजेपी ने हाथ मिलाया है उससे बीजेपी जो है वहां की जनता वहां पर जो बहुत बड़ी संख्या में लिंगायत समुदाय वहां पर रहता है उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश जो है येदियुरप्पा के जरिए की जा रही है। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ली जाए, कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, आज उन्होंने
जो है रैली को संबोधित किया, जनसभा को संबोधित किया, और लगातार आज दूसरा दिन है उनका कर्नाटक में। देखिए यहाँ पर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक चुनाव के अंदर भाजपा जो है वो अपना कहीं ना कहीं जोर आजमाती नजर आ रही है, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो वो लगातार कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी जनसभाएं और रैली की जा रही है। और आज दूसरे दिन भी प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कर्नाटक के अंदर मौजूद है, और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जनता तक कहीं ना कहीं उनका जो संपर्क है बहुत ज्यादा से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आए, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर भी निशाना साधते हुए नजर आए, क्योंकि ये कहा गया कि जनता कहीं ना कहीं अगर गलत सरकार को चुनती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए कहीं ना कहीं हितकारी जो कार्य है वो नहीं किए जाएंगे। मगर यहाँ पर सीधा सीधा कहीं ना कहीं भाजपा के लिए कहा गया कि भाजपा को अगर सरकार चुनती है, जनता चुनती है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो भ्रष्टाचार खत्म करेगी, महंगाई कहीं ना कहीं खत्म करेगी, और कहीं ना कहीं जनता के हितों के लिए कदम उठाते हुए नजर आएंगे। मगर यहाँ पर देखना होगा क्या वाक्य में ही जनता जो है वो भाजपा को पसंद करेगी या फिर कह सकते हैं कांग्रेस को, मगर ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जनता जो है, जनता का फैसला जो है वो किस तरफ देखने को मिलेगा। जी राजीव, अब एक चीज सोचने वाली है, जी जान बीजेपी ने यहाँ पर लगा दी है। इससे पहले भी देखा गया था बीजेपी की पूरी लिस्ट सामने आई थी, जहां पर 150-150 रैलियां, जनसभाएं जो है बीजेपी ने की थी। उसके बाद भी अभी भी देखा जा रहा है कि लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज, कर्नाटक में चुनाव है लेकिन जो पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं, दिल्ली से अमित शाह की बात कर लीजिए, जेपी नड्डा की बात कर लीजिए, और प्रधानमंत्री तो हर एक चुनाव में देखे जाते हैं, तो लगातार बड़े बड़े दिग्गज जिस तरीके से पहुंच रहे हैं। अब सवाल ये कि अगर बीजेपी सच में काम कर रही है तो बीजेपी को इतनी जरूरत, इतनी मेहनत की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव के अंदर भाजपा के बड़े नेताओं की बात करें, चाहे वो अमित शाह हो या फिर कहें जेपी नड्डा हो या फिर कहें राजनाथ सिंह हो या फिर कहें खुद प्रधानमंत्री मोदी क्यों ना हो, मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार बड़ी बड़ी जनसभाएं की जा रही है, जनता तक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, और जनता को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा ने अभी तक बहुत अच्छे काम किए हैं, रोड बनाए हैं, फ्लाईओवर बनाए हैं, और लगातार कहीं ना कहीं बिजली की सुविधा दी गई है, पानी की सुविधा दी गई है। मगर यहाँ पर बात करें अगर रोड शो के द्वारा या फिर कहें इतनी बड़ी बड़ी जनसभाओं के द्वारा अगर जनता को ये मैसेज देना पड़े, कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर है कहीं ना कहीं बड़े बड़े संदेश देने की कोशिश जरूर की जा रही है, मगर धरातल पर हकीकत पे अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अगर सरकार के द्वारा अच्छे कदम उठाए गए होते तो कहीं ना कहीं जनता को इन बड़े बड़े रोड शो की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही पार्टी को रोड शो की जरूरत पड़ेगी। मगर जिस तरीके से बड़े बड़े नेता जो वो लगातार रोड शो करते नजर आ रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लगातार गांव जाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार जनता से बीच में जाकर कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा के द्वारा अच्छे काम किए गए वो भी कहीं ना कहीं मैसेज जरूर देने की कोशिश की जा रही है। मगर यहां पर जनता भी समझ चुकी है कि सरकार के द्वारा जितने कार्य किए गए वो उनके कितने हित में है और दूसरी जो पार्टियां कह रही है वो कितने उनके हित में है, सारी चीज जनता को पता है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर ही कहीं ना कहीं जनता का जो फैसला होगा वो कहीं ना कहीं सबको देखना होगा। मगर यहां पर जनता किस तरह रुख करती है, किसको वोट देती है, सत्ता के अंदर किसको बिठाती है, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। जी राजीव, अब देखा जाए बीजेपी के पास हर एक सवाल का जवाब होता है, हर एक सवाल का जवाब होता है। जैसी सांप से तुलना की गई पीएम मोदी की, और तो तुरंत जवाब आ गया है उसमें, यह कहा है कि भगवान शंकर के गले में भी जो है नाग विराजमान होता है, ऐसा विपक्ष को पता होना चाहिए, या यूं कहें कि हर एक सवाल का जवाब बीजेपी के पास हमेशा उसके मुंह पर रहता है, बीजेपी के मुंह पर। देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं बड़े बड़े रोड शो और यहाँ तक कि जनता के तक कहीं ना कहीं कुछ अजीब अलग तरीके से मैसेज दिए जा रहे हैं, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं उनको लेकर हमलावर है। मगर यहाँ पर कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से चुनाव के लिए प्रचार किया जा रहा है, लगातार रोड शो की बात करें, बड़े बड़े होर्डिंगों की बात करें, या फिर एक मैसेज देने की जो कोशिश की जा रही है कि बीजेपी आएगी तो कहीं ना कहीं ये काम करेंगी और बीजेपी आएगी तो वो काम करेगी, मगर यहाँ पर जनता की जो दिक्कतें हैं या फिर जनता की परेशानियां है वो अभी तक दूर नहीं होती नजर आ रही है, और जनता भी कहीं ना कहीं आने वाले समय के ही अंदर स्पष्ट करेगी कि किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। मगर यहाँ पर बड़े बड़े आरोप या है या फिर कहे राजनीति जो है वो लगातार माध्यम से की जा रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों की सच्चाई कितनी है ये जनता को भी पता है, मगर जनता ही आखिरी फैसला जो है वो जनता के हाथ में, और जनता किस तरीके से वोट करेगी और किसको चुनकर सरकार के अंदर लेके आएगी ये तो आने वाले समय ही बताएगा। जी राजीव, इससे पहले अगर 2018 में चले, 2018 के आंकड़ों को, अगर चुनावी आंकड़ों को उठाकर देखें तो बीजेपी और कांग्रेस में ज्यादा अंतर नहीं था, पास पास में ही थे, लेकिन अगर अब बात कांग्रेस की तैयारियों की कर ले जाए तो कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं?
देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 2018 की बात करें तो 2018 के अंदर भी कांग्रेस और भाजपा के अंदर कड़ी टक्कर रही थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते नजर आई थी, कांग्रेस ने भी पूरी कोशिश करी थी, मगर जो बराबरी की टक्कर मानी जा रही थी वो दोनों के बीच में थी। मगर अब जब बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस भी अब कर्नाटक चुनाव के लिए लगातार अपना प्रयास कर रही है, अपने आप को कहीं ना कहीं कैसे भाजपा से टक्कर देने की कोशिश की जा रही है, बड़े बड़े नेता भी उनकी तरफ से उतरे हुए हैं, मगर जिस तरीके से कैसे बीजेपी के द्वारा कहीं ना कहीं रोड शो किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा इतने बड़े रोड शो नहीं किए जा रहे हैं, और आने वाले समय के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर बड़ी कोशिशें करती नजर आएगी, चाहे वो सेलिब्रिटी के तौर पर हो या फिर रोड शो के द्वारा हो, जनता तक कहीं ना कहीं कांग्रेस भी पहुंचने की कोशिश कर रही है। मगर देखना होगा कि जनता जो है वो कांग्रेस को पसंद करेगी या फिर भाजपा को पसंद करेगी या फिर किसी अन्य पार्टी को। जी राजीव, वहीं बात कर लें अगर आम आदमी पार्टी की बात कर लें, क्योंकि शुरुआती समय पर देखा गया था कि आम आदमी पार्टी के लोग भी यहां पर जा रहे थे, अरविंद केजरीवाल खुद जो है कर्नाटक पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने कहा कि अब डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन की जरूरत हो गई है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी इतना सक्रिय इतना एक्टिव नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं यहां तक कि ये कहा गया कि अब डबल की सरकार की जरूरत नहीं है और जनता के बारे में सोचना होगा, जनता के बारे में जनता को कहीं ना कहीं एक ऐसी पार्टी को लेके आना चाहिए जो उनके बारे में कार्य करे। यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं जोर आजमा रही है और आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि अगर डबल इंजन की सरकार को हटाकर अगर ईमानदार सरकार लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए ईमानदारी से काम किए जाएंगे, और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भी रोल मॉडल के तौर पर जिन कार्यों को रखा गया वही कार्य जो है वो कहीं ना कहीं कर्नाटक या फिर और राज्यों के अंदर भी आम आदमी पार्टी रखती हुई नजर आ रही है। जी वही राजीव, अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात कर ले, कर्नाटक से जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, क्या लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा कुछ असर डाल सकती है कर्नाटक में, कुछ सीट्स अपनी तरफ खींच सकती है? देखिए यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से राहुल गांधी की जैसे भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो कर्नाटक के अंदर जब शुरुआत की गई थी तो कर्नाटक के अंदर भी कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का असर जो था वो वाक्य में ही देखने को मिला, और पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा का असर जो है वो वाक्य में ही देखने को मिला था, और लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो वापसी करती हुई नजर आएगी, मगर अब जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी के ऊपर सूरत के अंदर कहीं ना कहीं 2 साल की सजा दी गई और उसके बाद में उनकी सदस्यता जो थी वो खत्म कर दी गई, मगर अब कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं जद्दोजहद करके कहीं ना कहीं सरकार के अंदर वापस आने की कोशिश कर रही है, मगर अब देखना होगा कांग्रेस वाक्य में सरकार के अंदर आ पाएगी या फिर कहें भाजपा कर्नाटक के अंदर अपनी सरकार बना पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी जो है जिनको नए सिरे से मौका मिलने की कोशिश करी जा रही है क्या वो आ पाएगी, मगर ये आखिरी फैसला जो है वो जनता के हाथ में होगा और जनता ही इसके अंदर फैसला करेगी। जी राजीव, अब एक चीज और देखने की बात है कि इस बीच देखा गया जब टिकट बंटवारे हो रहे थे तो बीजेपी की अगर बात कर लें तो कई ऐसे नेता थे जो बीजेपी जो है छोड़ के चले गए थे, तो ऐसे में बीजेपी को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी में ही बीजेपी के ही जो पहले उस कर्नाटक के जो है पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्होंने भी बीजेपी छोड़ दी है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि टिकट नहीं मिलना कारण रहा जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। देखिए यहाँ पर बात करें भाजपा के जो द्वारा जो छोड़े हुए कैसे नेता थे जिनके द्वारा कहीं ना कहीं भाजपा को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल कर लिए गए, मगर यहाँ पर बात करें भाजपा की थोड़ी बहुत जरूर मुश्किलें बनती नजर आ रही है, क्योंकि जो कर्नाटक के अंदर जो भाजपा के जो नेता थे वो कहीं ना कहीं अच्छे कार्य कर रहे थे और उनके द्वारा कहीं ना कहीं ये कहा गया कि भाजपा छोड़ने के बाद में भाजपा की रणनीति जो है वो गलत है, वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके से जनता के बीच में कार्य किए जाए, मगर जनता के लिए कहीं ना कहीं अच्छे कार्य करने के लिए भी बात की जा रही है, मगर अब देखना होगा जनता का फैसला किस तरफ जाता है और जनता किसको चुन के लेके आती है ये तो जनता के ऊपर निर्भर करेगा। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।